हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास आईआईटी रैम 2020 का मैथमेटिक्स पेपर है और क्वेश्चन नंबर 22 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² d² / dx² (3x dy/dx - y = 0) x > 0 है, जहाँ पे दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट 1 and 1। फ्रेंड्स, इसके हम सोल्यूशन, अगर हमें सोल्यूशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसका सोल्यूशन नहीं आता है तो उस कंडीशन में पहले हम देखेंगे पॉइंट्स को कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो जो सेटिस्फाई करेंगे उन पॉइंट्स को लेके, या जैसे इसमें सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे 1 1 को, तो अगर इनमें वाई बराबर यहाँ पर रख के देखें हम वाई बराबर 1/x यहाँ, या 1/x² 1/√x 1/x²(3/2) ऐसे चेक करके हम क्रॉस चेक करके भी इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर सॉल्यूशन हमें नहीं पता है तो कि किस तरह से सॉल्व करना है, अगर हमें सॉल्व करना है, अगर हम पता है कि सॉल्व किस तरह से होगा तो हम कर सकते हैं इसको आसानी से सॉल्व। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं हम। लेट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट हम इसमें एज्यूम करते हैं x = e^t और एज्यूम कर सकते हैं हम t = log x। तो फ्रेंड्स, ये एज्यूम करते हैं तो हमारे पास कुछ वेल नोन रिजल्ट होते हैं, जैसे जहाँ d/dy = होता है वो हमारा d/dt होता है, d/dx² हो जाता है हमारे पास d/dt, और सेकंड होता है हमारे पास d/dt - 1। इस तरह से ये सीरीज जो है चलती जाती है। जैसे अगर डी क्यूब के लिए लिखना होता है तो हमें d³/dx³ हो जाता है हमारे पास d/dt - 1 d/dt - 2। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे हमें 2 टर्म तक ही चाहिए। अब जब हमें 2 टर्म तक ही चाहिए तो हमें सिर्फ इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी तो हमें यहाँ पे x = e^t या t = log x एज्यूम कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और फिर सॉरी, यहाँ पे होता है हमारे पास x, ये होता है x² और x³, इन फॉर्म में हो 2 होता है ये हमारे पास। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, हम x² d² / dt² को इसको ये लिख सकते हैं d/dt - 1। तो इसको लिख सकते हैं 2d t - 1 +3d - 1 और ये हो गया y = 0, वेयर जहाँ पे d = जो है वो है हमारे पास d/dt। तो इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2d d - 1 +3d - 1 y = 0, या ये हो गया हमारे पास 2d² - 2d +3d - 1 y = 0, या यहाँ से हो गया हमारे पास 2d² + d - 1 y = 0। तो यहाँ से हमारे पास फ्रेंड्स जो होगी इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इसके एक्सेलरेटेड इक्वेशन जो होगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। एक्सेलरेटेड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, d की जगह m पुट करते हैं, 2m² + m - 1 = 0। तो m की हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से (2m² + 2m - m - 1 = 0) तो वह 2m - 1 and m + 1 = 0। तो m बराबर जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 1 - 1/2 and 1। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y = e^-1/2t एंड आ जाएगा, एंड सेकंड आएगा हमारे पास e^+e^t, या फिर हम इसका सॉल्यूशन जो होता है अलग अलग भी लिख लेते हैं। हम सॉल्यूशन कैसे लिख लेते हैं, y बराबर एक तो e^-1/2t भी इसको सेटिस्फाई करेगा, y = e^t इन -t भी सेटिस्फाई करेगा। अब फिर से अगर e^t = क्या है हमारे पास, e^t = क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो e^t = x, तो y =
एक्स इनवर्स जो है इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। तो वाई बराबर एक्स इनवर्स कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, वाई बराबर 1/x जो कि इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।